क्या आप विद्युत सेवा से बाधित हैं या बिजली बिल से परेशान हैं? तो टेंशन नहीं लीजिए, आज ही अपने छत पर सोलर लगाइए और निर्बाध बिजली पाइए, साथ ही बिजली बिल से भी मुक्ति पाइए। तो देर किस बात की, चले आइए मधेपुरा के तानवी इंटरप्राइजेज में। मधेपुरा में अधेड़ की गोली मारकर हत्या, जिले की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। उदाकिशुनगंज अनुमंडल के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के बीडी रामपाल के वार्ड 7 में अपराधियों ने एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार की देर रात गणेश मंडल को उसके घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। देर रात ही आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक गणेश मंडल की बेटी लक्ष्मी कुमारी ने बताया कि अपराधी 6 की संख्या में थे। 3 अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारी है। हत्या का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। मृतक के ससुराल में जमीन विवाद चल रहा था। लक्ष्मी कुमारी ने यह भी बताया कि उसके मामा से जमीन को लेकर विवाद था, उसी वजह से हत्या को अंजाम दिया गया। गणेश मंडल का राजनीतिक इतिहास भी रहा है। पूर्व में वह सरपंच प्रत्याशी भी रह चुका है। उसकी लोकप्रियता भी कुछ लोगों को चुभ रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि गणेश काफी अच्छे स्वभाव का था। कहीं भी आसपास झगड़ा होता था तो वह समझा बुझाकर लोगों को शांत रखता था। लोग उनकी बात भी मानते थे। गुस्साए लोगों ने किया चौसा बिहारी गंज सड़क जाम। उधर हत्याकांड के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने चौसा बिहारी गंज SH 51 को जाम कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों का कहना था कि सीमावर्ती इलाका होने के नाते अपराधी खुलेआम अपराध को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। मंजूरा कैंप में गाड़ी नहीं रहने से पुलिस गश्त भी नहीं करती है। अगर पुलिस गश्त करती तो आज यह घटना नहीं होती। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे जिला परिषद प्रतिनिधि अजय सिंह, बिहार सरकार के महादलित आयोग के सदस्य कंतलाल शर्मा, मुखिया प्रतिनिधि जय किशोर ठाकुर, पूर्व समिति अंसारुल खान, लोगों को समझा बुझा कर जाम समाप्त करवाया। अपराध बेलगाम हो रहा है, लेकिन मामला जैसे सुन रहे हैं कि जमीन संबंधित विवादित मामला है। जी, हत्यारा जो हत्यारा है उसको कड़ी सजा देगा प्रशासन। और इन लोगों का मांग है कि सीमावर्ती इलाका से अपराध आकर अपराध को घटना का अंजाम देकर मौके से फरार हो जाती है, और मंजोरा जो सीमावर्ती इलाका है उसमें ना ही पुलिस कैंप में गाड़ी है और ना ही पुलिस रात में गश्ती करती है। जहाँ तक कैंप की बात है, कैंप में गाड़ी होना चाहिए। तो क्या जो है हम लोग उठाते हैं, एसपी को बोलते हैं, एसपी साहब को, मंजोरा में जल्द से जल्द गाड़ी का व्यवस्था करें। हम लोग जानते हैं कि खुले आम चुनौती दे के अपराधी मार के निकल जाता है। मंजोरा कैंप में गाड़ी नहीं है और रात को गश्ती चाहिए, यही टे हम लोग का सुरक्षित के लिए यही मांग है। आप लोग हम लोग को यही मांग है। क्या नाम हुआ आपका? MD मजाहिद।